आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है? कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है, और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता ऐसा नहीं, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है, दो दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ये मोदी की गारंटी थी। अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, यह मोदी की गारंटी होती है। खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पर भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथियों, कांग्रेस वोट पाने के लिए भांति भांति के छल प्रपंच ये करती रहती है। मैं इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती हैं, बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ अनुभव करता हूं, और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है, कौन सा राज्य? यह हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। साथियों, राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे, अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिलीभगत रही, हमेशा सहमत रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी।